हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। आज मैं आपको बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ देने वाला हूं। जैसे कि बहुत दिन से आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में जो वैकेंसीज आने वाली थी, काफ़ी दिनों से अवेटेड थी वो सारी वैकेंसीज में आपको फाइनली उसका नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे ने जो फाइनली उसको पब्लिश कर दिया है। तो उसमें फाइनली आरपीएफ में एसआई और कांस्टेबल की भर्ती का दोनों का अलग अलग रिक्रूटमेंट का अलग अलग नोटिफिकेशन आया है। उस नोटिफिकेशन में आपको बताऊंगा कि कितनी एज है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस है, क्या मेडिकल होगा, कितना फिजिकल होगा और सारी एग्जाम डेट कब है, पूरा ऑनलाइन एग्जाम कब होगा, ये सारी चीजें उसमें मैं बताने वाला हूं। और अब डिटेल में सारी चीजें हम देखेंगे इसमें डिटेल में, क्योंकि अब जिनके लिए जिनके पास जॉब नहीं है और जो रेलवे में स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि उसमें प्रिपरेशन आगे करें एसआई कांस्टेबल में और अपना अच्छे से उसमें एग्जाम क्लियर करें। चलिए आपको सीधे नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलते हैं। और आरपीएफ ने दो लैंग्वेज में अलग अलग कैटेगराइज करके नोटिफिकेशन पब्लिक किया, एक हिंदी में और इंग्लिश में। तो बेसिकली एसआई और कांस्टेबल में जो इंग्लिश नहीं आती है आपको पता है आरपीएफ, तो मैंने हिंदी में आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो पाए। इसलिए आपको सीधा टाइम खराब न करते हुए सीधा नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलते हैं। और उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके साइड में एक बेल आइकन होता है, उस बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस कर लें। सीधा आपको नोटिफिकेशन पे लेके चलते हैं। आप सामने देख पा रहे हैं ये नोटिफिकेशन है, ये आप देख पा रहे हैं भारत सरकार रेल मंत्रालय रोजगार सूचना ये सब लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है रेल सुरक्षा एवं रेल सुरक्षा विशेष बल में उप निरीक्षकों यानी एसआई की सेवन पे आयोग पे मैट्रिक से 6 लेवल के 35,400 के प्रारंभिक वेतन में भत्ते हैं। अब लेके चलते हैं सीधा अपने मेन इशू पे, क्या है मेन चीज पे लेके चलते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुलने की तिथि है 1 जून 10 बजे से आपका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 30 जून तक हो जाएंगे। इसलिए आप लेट ना करें, लास्ट में जल्दी फॉर्म भरने की कोशिश करें, 10 तारीख तक हाल में आप फॉर्म भर लें। और बात करते हैं एग्जाम की, सीबीटी जो कंबाइंड बेस्ड एग्जाम होता है सीबीटी, उस बात के सितंबर अक्टूबर 2018 में इसका एग्जाम होने वाला है। तो फाइनली बता दूं स्टार्ट फॉर्म 1 जून से हो जाएंगे और 30 जून लास्ट डेट, और एग्जाम आपका सितंबर अक्टूबर 2018 में होने वाला है। और आगे बताता हूँ, मेल फीमेल दोनों की अलग अलग है, आगे मैं बता देता हूँ। ये सब आप अच्छे से इसका नोटिफिकेशन पढ़ लेना, मैं मेन मेन चीजें बता देता हूँ आपको क्या क्या है इसमें सारी चीजें। और एज की बात करते हैं, आप देख पा रहे हैं वेतनमान 9th पॉइंट है, सातवें पे कमीशन के हिसाब से आपको ये पे मैट्रिक्स 6 है 35,400। उसके समय अन्य स्वीकार जो भी अलाउंसेस होंगे ये आपका बेसिक है 35,400। इसके अलावा आपकी सैलरी जो 50,000 के आसपास तक, उसमें एचआरए डीए टीए और अन्य जो अलाउंसेस होते हैं वो सब एड होगा। बात करते हैं एसआई में एज की, एज 1 जुलाई 2018 को जो कैंडिडेट है स्टूडेंट्स है 20 से 25 साल की एज होना चाहिए। इसके अलावा जो उसमें एज रिलैक्सेशन है आगे हम देखेंगे, एज रिलैक्सेशन एससी एसटी वालों के लिए 5 इयर्स होता है वैसे, और ओबीसी के लिए है 3 इयर्स होता है, और एक्सर्विसमैन वगैरह के लिए भी होता है, आगे हम देखेंगे सारे। और हम बात करते हैं 10 गुना जो है सीबीटी एग्जाम से, यानी जो आपको एग्जाम होने वाला है उससे 10 टाइम्स आपको शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाए पीईटी के लिए, और उसके बाद पीएमटी शारीरिक माप जांच होगा, ये सब 10 गुना ही हर टाइम बुलाए जाएंगे, आप इसमें देख लेना। और ये सारा नोटिफिकेशन मैं डाल दूंगा, आगे लेके चलते हैं। आप सामान्य निर्देश पढ़ लेना जो आपको एग्जाम होने वाले हैं सारी चीजें। और मैं आपको सीधा लेके चलता हूं इसके वैकेंसीज पर, कितनी वैकेंसीज हैं ये सारी चीजें आपको बताना है। आप देखिए, आप देख पाए 2.0 सब इंस्पेक्टर पद की रिक्तियों के संबंध में क्षेत्रीय रेलवे के ग्रुप और आरपीएफ का क्रमवार आप देख पा रहे हैं। ये दक्षिण रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, ये वैकेंसी दी हुई है। टोटल बात कर लेते हैं जनरल की, टोटल 100 ये सब आप देख पा रहे हैं सारी वैकेंसी टाइप्स हैं, और फीमेल और मेल अलग अलग दी हुई हैं। आप देख पा रहे हैं पुरुष इधर है, महिला इधर, यानी मेल इधर है फीमेल इधर है। दक्षिण ग्रुप एक बात कर, ग्रुप ए में बात करते हैं कुल 126 वैकेंसी है, ग्रुप बी में बात करते हैं 144 है मेल और 287 है। वहीं गर्ल्स की बात करें 52 है, 56 है, 112 है, ये वैकेंसीज हैं और आगे भी हैं। आप देख पा रहे हैं ग्रुप डी में 173 है, वहीं गर्ल्स में 69 है, और वहीं ग्रुप ई में 30 वैकेंसी है और यहाँ पे 12 है। और टोटल बात करें टोटल मेल की बात करें तो 819 एसआई की वैकेंसीज हैं और मेल के लिए, और 301 फीमेल के लिए वैकेंसीज, आप अपने हिसाब से इसमें देख लेंगे। और फिर तो टोटल मैं आपको बता देता हूँ 819 मेल की वैकेंसीज है और टोटल गर्ल्स की 301 एसआई में वैकेंसीज है। और ऐसे ही अलग अब नोटिफिकेशन आया है जो कांस्टेबल का है, बाकी सब आएंगे आप देखते हैं। इन पे टोटल एब्रिविएशन दिया है, फुल फॉर्म दिए हुए किसकी क्या होना चाहिए। वहीं बात करते हैं पात्रता की, ये सब दिया हुआ है। एज की बात कर लेते हैं, एज फैक्टर जो सबसे है, सबसे पहले एलिजिबिलिटी आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसके अलावा न्यूनतम आयु आपकी 20 होने चाहिए और अधिकतम आयु 25 ईयर्स की होना चाहिए। अब डेट बताते हैं किस डेट से ये होना चाहिए, सारी चीजें भी आएंगी।
और शारीरिक मापन की बात करते हैं, जनरल एओबीसी की 165 हाइट होनी चाहिए, फीमेल की 157 होना चाहिए, वहीं चेस्ट की बात करते हैं 80 होना चाहिए और टोटल फुलाकर यानी एक्सपेंड करके 85 होना चाहिए। एससी एसटी की बात करते हैं 160 होना चाहिए हाइट और गर्ल्स की हाइट होना चाहिए 152। वहीं छाती की बात करें यानी चेस्ट की बात करें 76.2 और एक्सपेंड करने के बाद 81.2। बाकी जो गढ़वाली कोरखा वगैरह की हाइट जो है, जो पहाड़ी एरियाज हैं उनकी 163 हाइट होना चाहिए, फीमेल 155। वहीं इसकी बात करें तो चेस्ट की बात करें 80 एक्सपेंड करके 85। ये सारी चीजें आप दी गई हैं। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। आप मैं पहले भी जैसे बता रहा था कि एससी एसटी की जो है 5 ईयर से एज रिलैक्सेशन और अन्य पिछड़ा वर्ग जो नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट्स उनके 3 ईयर है। और ये सारी सैन्य वगैरह की दी गई हैं जिनमें से जो स्टूडेंट्स हैं आप अपना देख सकते हैं सारी। और बात करते हैं आप किस डेट से आपको एज काउंट करनी है। तो एज आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ 20 से 25 ईयर की है। जो डेट है अनारक्षित यानी जनरल वालों के लिए 2/7/1993 के बाद के जो कैंडिडेट है उन्हीं के लिए ली जाएगी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2/7/1990 के बाद के लिए जाएंगी और जो एससी एसटी हैं 2/7/1988 के बाद के लिए लिए जाएगी और सभी श्रेणियों के लिए जो है 1/7/1998 के लिए दी गई है। तो आप देख लीजिए अगर आप जनरल में इसके बाद है तो आपका लिया जाएगा और ओबीसी में आप 90 लिया जाएगा, एससी एसटी में आपको 88 लिया जाएगा। इसके अलावा आप दिया गया है जो ओबीसी के अनिशास्टिक ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर है उन्हें ही उनको दिया जाएगा, उनको कोई आयु छूट नॉन क्रीमी लेयर वालों को दिया जाएगा और क्रीमी लेयर वालों के लिए उन्हें कोई ऐसा कुछ रिलैक्सेशन होता नहीं। वहीं पैसों की बात करें यानी फीस की बात करें तो लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट है ये देख लीजिए आप, सीबीडी में उपस्थित होने पर क्रम संख्या 2 में नीचे उल्लेखित शुल्क रियायती श्रेणियों को छोड़कर सभी अभ्यर्थियों के लिए विधिवत बैंक प्रभार काटते हुए 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे और फीस आपकी 500 है। यानी अभी आपकी फीस 500 लगेगी, इससे पहले भी आप देखेंगे एएलपीवी और टेक्नीशियन वगैरह में और ग्रुप डी में आपने फीस 500 हुई थी लेकिन बाद में आप जैसी पेपर देके आ जाएंगे इसके बाद आपको 400 रुपीज जो आपको बैंक चार्जेस काट के दे दी जाएंगे। वही हाल सेम एससी एसटी के लिए भी है और ओबीसी के लिए भी है, इसमें वही दिया हुआ है 250 फीस है और आप एग्जाम देने के बाद में आपको 250 फीस वापस कर दी जाएगी। रीजन ये होता है बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म भर देते हैं और 100 रुपए पहले चार्ज हुआ करता था और एग्जाम देने नहीं जाते थे तो कक्षा की जो एग्जाम की क्वालिटी होती थी क्वांटिटी की वजह से पेपर जो अरेंजमेंट नहीं से हो पाता था इसलिए उन्होंने पैसे पहले ज्यादा ले लिए और बाद में आपके अकाउंट में वापिस सेंड कर दिए जाएंगे। आगे आपको बात करते हैं आरक्षण वगैरह ये सब दिया हुआ है और नोटिफिकेशन आप अच्छे से पढ़ लेंगे क्या है इस नोटिफिकेशन में, सारी चीजें दी गई हैं और कई सारी लैंग्वेज में आप चूज कर सकते हैं किन किन एग्जाम में होना है, हिंदी अंग्रेजी उर्दू तमिल तेलुगू कोंकणी मलयालम कन्नड़ मराठी बंगाली ओडिया गुजराती असमिया मणिपुर एवं पंजाबी और परीक्षा के स्तर ग्रेजुएशन लेवल का होगा, इन सब किसी भी लैंग्वेज में आप लिया जाएगा। माइनस मार्किंग की बात की जाए 1/3 यानी एक सही होने एक क्वेश्चन तीन गलत होने पर आपको एक क्वेश्चन सही होने के बराबर के मार्क्स आपके काटे जाएंगे और सब चीजें आप देख लीजिए। और वही बात करते हैं पेपर आपका टोटल 90 मिनट का होगा, प्रश्न आपके 120 मिनट के होंगे, कुल अवधि 90 मिनट की है, प्रश्नों की संख्या टोटल 120 होने वाली है। वही बात करते हैं सामान्य ज्ञान 50 अंकों का होगा, अंकगणित 35 अंकों की होगी, रीजनिंग आपकी 35 अंकों की होगी, इसके बाद आपका पीईटी और पीएमटी यानी आपकी शारीरिक दक्षता और शारीरिक माप होगा जो कि 10 गुना बच्चे कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। और बात करते हैं फिजिकल की तो आप देख पा रहे हैं उप निरीक्षक यानी एसआई पुरुष के लिए 1600 मीटर 6.5 सेकंड में पास करनी है, लंबी कूद 12 फीट है और ऊंची कूद 3 फीट 9 इंच है। वहीं फीमेल की बात की जाए तो हाइट तो उनको जो दौड़ है 800 मीटर दौड़ जो 4 मिनट में पूरी करनी है, लंबी कूद 9 फीट है और ऊंची कूद 3 फीट है। और इसके अलावा दिया हुआ है 1600-800 मीटर के लिए केवल एक अवसर दिया जाएगा, शेष बाकी लंबी कूद ऊंची कूद के अभ्यर्थियों को 2-2 अवसर दिए जाएंगे। ये सारी चीजें देख पा रहे हैं आप इसमें। और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका सब कुछ लिया जाएगा, ये सारी चीजें आपको ली जाएंगी, आपको सेम ऐसा ही है और इसमें आप देख लीजिए अच्छे से क्या है, सारा नोटिफिकेशन में आपको डाल दूंगा। और हम बात करते हैं अब सेम टू सेम जो कांस्टेबल का नोटिफिकेशन है वो भी सेम वही है, आपको सेम सिर्फ इसमें वैकेंसीज चेंज की गई और एज थोड़ा सा चेंज किया गया है तो मैं उसकी भी बात कर लेता हूँ, एज और क्या क्या चेंज है थोड़ा सा चेंज जो है वो चेंज की बात कर लेते हैं हम, बाकी सब सेम ही है। ऑनलाइन एग्जाम एक फॉर्म एक से बेसिकली आपका बेसिक जो है लेवल 3 मैट्रिक्स 3 में आता है 1700 बेसिक है, इसके अलावा आपकी सैलरी 30,000 तक हो जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 तारीख से लास्ट 30 तारीख, सेम वही है जो अभी हम एसआई के बारे में देख चुके हैं, बस इसमें थोड़ी चीजें क्या है कि वैकेंसीज देखना है हमें और इसके अलावा हमें देखना है
कि इसमें एज फैक्टर क्या है ये देखनी सारी चीजें। तो सीधा हम उसी की तरफ लेके चलते, बाकी नोटिफिकेशन सेम है। तो वहीं बात करें मेल की, टोटल 4403 वैकेंसी है और आप रीजन वाइज भी देख लेंगे, और फीमेल की बात करें 4216 वैकेंसीज है। ये टोटल वैकेंसी से आप, मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा, आप अच्छे से इसमें देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं करूंगा तो वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। वहीं बात करते आयु की, कांस्टेबल के लिए सबसे आपको 10वीं पास होना, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या मैट्रिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 से 25 साल तक है। हाइट आप देख पा रहे हैं सेम है, जो पहले से थी वही हाइट है सेम, और सेम चेस्ट है। 5 साल आपको रिलैक्सेशन है, एससी एसटी को, ओबीसी को 3 साल है, बाकी लोगों के लिए आप इसमें देख सकते हैं। ये मेन फैक्टर है, आपको देख लेते हैं कि आपका 18 से 25 साल तक की एज है। अगर आप 93 के बाद में है जनरल में तो आप फॉर्म डाल सकते हैं, और इसमें 90 के ओबीसी 90 है, और इसमें भी एससी एसटी में 88 है, बाकी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये सब सारी चीजें हैं आप देख पाए, सेम वही है, 400 रुपये आप 500 रुपये फीस कटेगी, 400 रुपये बाद में आपको एग्जाम देने के बाद में रिफंड हो जाएंगे जनरल के, एससी एसटी ओबीसी का 250 पूरे रिफंड हो जाएंगे। हाँ सारी चीजें हम इसमें आपके एक बार फिजिकल और चेक कर लेते हैं, फिजिकल में कहीं कोई चेंज तो नहीं है, बाकी सब सेम है। आप एग्जाम उतनी सारी जितनी लैंग्वेज मैंने पहले बताई थी उतनी में देख सकते हैं। और अगर बात करते हैं एग्जाम आपका सेम 90 मिनट का होगा, 120 क्वेश्चन होंगे, और सामान्य ज्ञान आपका 50 होगा, अंकगणित भी 35 होगी, सामान्य बुद्धि 35 होगी, इसके अलावा पीटी हो गया, और आपका सेम जो है फिजिकल भी आपका सेम होने वाला 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में। और इसमें जो रनिंग है वो थोड़ी सी टाइम है वो थोड़ा सा कम कर दिया गया है, उसमें शायद 6.5 मिनट का था और इसमें 5 मिनट 45 सेकंड कर दिया गया है। तो मैं आपको एक बार और चेक करके बता देता हूँ उसमें क्या है, आप चेक भी कर लेना। आप देख पा रहे हैं इसमें जो टाइमिंग थी मेल की वो थोड़ी सी कम कर दी गई है, कांस्टेबल में 6 मिनट 30 सेकंड था और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कांस्टेबल में 5 मिनट 45 सेकंड है, यानी कांस्टेबल में आपको ज्यादा तेज रनिंग, ज्यादा फास्ट रनिंग करना पड़ेगा। और मेल के लिए भी यहाँ पे फीमेल के लिए वहां 800 मीटर में आप देख पा रहे हैं कितना था, 4 मिनट था, यहाँ पे कांस्टेबल ने देख पाए 3 मिनट 40 सेकंड, लंबी कूद 14 फीट 9 4 और ऊंची कूद 4 फीट है, यहाँ लंबी कूद 9 फीट और ऊंची कूद 3 फीट है, बाकी सब सेम है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपको डिस्क्वायर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, दोनों में सेम है, जो ग्रेजुएशन पास है दोनों के लिए फॉर्म डालिए, आप अच्छे से फॉर्म की तैयारी कीजिए, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली है आपको। ये सारी चीजें आप देख लीजिए, मैं इनका नोटिफिकेशन भी डाल दूंगा हिंदी इंग्लिश में जैसा भी आपको देखना हो। और अभी अभी आपको कोई अगर कमेंट्स हो या कोई डाउट हो तो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वहां पे मैं आपको आंसर दे दूंगा। और अभी इस वीडियो में इतना ही, काफी लंबा वीडियो हो चुका है ऑलरेडी, तो अगर ये मेरे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको बताइए कि एग्जाम आ चुका, ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है, फॉर्म फिल कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।